अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जी आज हम आए हुए हैं गुलजार सादिक पार्क में और आपको अभी गुलजार सादिक पार्क का व्यू दिखाऊंगा और सारा पार्क विजिट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और बटन दबाना सब्सक्राइब वाला नहीं भूलना। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सबसे मज़े की बात यह है कि गुलजार सादिक पार्क में बहावलपुर में रहते हुए मैं आज खुद फर्स्ट टाइम आया हूं, तो अभी आपको दिखाते हैं गुलजार सादिक पार्क के नज़ारे। चलें जी आज मैं भी देखता हूं और आपको भी दिखाता हूं आज गुलजार सादिक पार्क। मिस्टर फनलैंड, हम फनलैंड में आ गए हैं। ये मेरे ख्याल में फैमिली पार्क है और यहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान सारे मुस्तफीद होने आते हैं। अभी आपको झूले सामने नज़र आ ही रहे हैं कि झूले लगे हुए हैं और लोग, ये तो इस टाइम बंद होते हैं, रात के टाइम चलते हैं और अभी तो डे का टाइम है इसलिए ये बंद है। ये जो गुलजार सादिक पार्क है ये हमारे बहावलपुर की आन शान बान सारा कुछ है और ये बहुत फेमस है। ये कब से बना हुआ है इसकी डिटेल हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है और यहाँ पे फैमिलीज आती हैं इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और इंजॉय करने के लिए आते हैं। प्ले ग्राउंड भी है, जॉगिंग ट्रैक भी हैं और सारा कुछ है, बहुत इंटरटेनमेंट होता है यहाँ पर। यह है जी झूलों वाला एरिया इस पार्क का, जहाँ पे झूले ही झूले हैं और इसको आप बच्चों का मोस्ट फेवरेट एरिया बोल सकते हैं। इसका असल मज़ा रात के टाइम आता है। ये आबशार बनाई हुई है, यहाँ पे रात को पानी गिर रहा होता है और लाइटिंग होती है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू होता है ये वाला। लेकिन ये रात को आके अगर बनाया जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रात के टाइम भी आके व्लॉग बना के किसी दिन इसका आपको दिखा दूंगा, क्योंकि रात के टाइम ही इसका सही नज़ारा, तो रात के टाइम ही नज़र आना है। और ये यहाँ पे खरगोश कबूतर, बस यही दो चीज़ें हैं, खरगोश हैं और कबूतर। ब्यूटीफुल, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा यहाँ को, इस जगह को क्या कहते हैं, कश्ती रानी। हाँ जी ये कश्ती रानी और मैं आपकी खातिर इसमें कूदने लगा हूँ, अभी कश्ती में बैठने लगा हूँ। डूब के मर जाऊँ तो मेरा व्लॉग देख के वायरल करवा देना, क्योंकि यहाँ पे डूब के मरने के भी 50 रुपए हैं। तो चलें जाके एंजॉय करते हैं बैठ कर वहाँ पे व्लॉग। ये यहाँ पे सारे इसी में कश्ती रानी करने में सवार होने के लिए कितने पैसे हैं इसके, पैसे बता इनको। तू ही दस दे यार, डॉन केड़ा वा। हाँ डॉन, इसके कितने पैसे हैं? इसके 300 रुपये। फैमिली मैंने तो अकेले नहीं बैठना है, अकेला आप 100 रुपए दे देना। हुण मैं पहले फैमिली बनावा नाल बिठाने वास्ते। मैं इत्ते चले जाओ, उस्ते चले जाओ। चलाऊगा कौन? आप ही खुद ही। एड़ा मैं बख्त हुंदा ते मैं इत्थे हुंदा पार्क दे विच यार। आपकी के साथ कोई और चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। उसके कितने हैं? उसका 50 रुपए पर हेड है, दो जाने के 100 रुपए। वो चलाओगे आप? आप भी बैठेंगे, चलाएंगे ये और वो, आप ही चलाओगे। चल तू इसमें चल यार, इसमें। हाँ मैंने वीडियो बनानी है। हाँ चलो छोड़ दे। हाँ जी इसमें बैठते हैं जी, वो चलानी पड़नी थी, वो तो मैं नहीं चला सकता, सॉरी। एच बहने 100 रुपए चुकना तो फिर मैं पीछे। अच्छा इतने तेरे यहाँ लगेंगे, मेरे लगेंगे मुझे है? ये लगेंगे तो नहीं, नहीं लगेंगे। हाँ जी ये आज कश्ती रानी का 100 रुपये मैं हराम करने लगा हूँ, मुझे ना एक एक पॉइंट पे लेके जाना है, मैंने वीडियो बनानी है। हाँ जी हम कह सकते हैं गुलजार सादिक पार्क में, ये मेरा कश्ती का ड्राइवर है
और कह सकते हैं कि गुलदारे साधक पार्क के अपनी कश्तियां चल रही वेखो लोगों के शिप चल रहे साड़ियाँ कश्तियां ये अपनी कश्ती चल रही है जी। बच्चे को मैं स्पेशली साथ लेके आया हूँ, मुझे नहीं चलानी आती, मैंने उसको कहा ऐसा ऐसा हर साइड पे लेके जाना है ताकि अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा मजे की गल वेखो आ मुंडा भी यार पंजाबी भी है तो फिर उतो अराही भी है, मेरा कौम ही निकलिया यार बहावलपुर में अराही मिल गया मुझे, अराई को अराई मिल गया, वो कहते हैं ना चंद्रे को चंद्रा सो को तुम दे दे लभ गया तुम। तो ये बेचारा हिम्मत है इसकी, इसकी सेहत देखें और इस बेचारे का हिम्मत है यार। मैं तो डर के मारे खुद चला नहीं रहा था, उन्होंने मुझे ऑफर दी थी अगर 50 में तो उसमें बैठ जो लड़का आपके साथ जाएगा, पर मैं नहीं चलाना चाहता था जो कि मेरे बस का काम नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन तलहा को लेके आऊँगा साथ, उसको विजिट करवाऊँगा इसका, बट आपको भी मैं नज़ारे दिखा रहा हूँ कश्ती में बैठ के आप साथ साथ देख ही रहे हैं। हाँ जी तो यहाँ पे ये एक और फैमिली लगी हुई है यहाँ पे, उधर भी लैके चल हाथियाँ देखो लैके चल यार बाकी छड़। और ये जी डक शक आ की बाहर खड़ियाँ मार गई हैं सी, बाहर खड़ियाँ मार गई हैं सी, अच्छा नकली हैं। हाथी कुछ कहेंगे ना, ये भी नकली हैं, तू तो असली है ना। अच्छा तू मैनू ये दस हाथियां दे नाल दा सूट का तो पाया, तू हाथियां दे नाल दी शर्ट का तो पाई, ओवें दे हाथी ओवें दी तू शर्ट पाई, उनके पास लेके चल उस तरफ थोड़ा सा, वो ही लेके जा रहा हूं। ये देखें जी आर्टिफिशियल एलिफेंट बनाए हुए हैं यहाँ पे, और मजे की बात देखें एलिफेंट भी ग्रीन कलर के हैं और एलिफेंटों के जो मालिक है ना वो भी ग्रीन कलर के ही हैं। मालिक लिए काम करते हैं। ओ चल यार तू छोड़ दे, लाजमी बताना है कि काम करते हो, मालिक ही हैं भाई, जब ये निगहदाश्त इन्होंने करनी है इनकी निगरानी, तो ये हैं जी हमारे एलिफेंट। चलें सर आगे चलें, आगे कदम बढ़ाएं। यार यकीन मनो थोड़ी सारे की मुहब्बत च 100 रुपए चो जिन्हों कहते ना यार ये कितना गहरा वा 2.5 फुट। नहीं यार फिर नहीं आप डुब के मारते 7 फुट दे तो आप फिर अपन की होना, मतलब इतना गहरा नहीं है ये, नहीं गहरा नहीं है भाई, नो टेंशन, फिर खैर कपड़े गिले होंगे सकाले पानी बहरहाल चेक, पानी काफी ठंडा है। ये कितने दिन बाद पानी चेंज करते हो? ये रोज डलता है, वो देखो पीछे पानी डल रहा है, वो पानी आ रहा है। अच्छा पानी डल रहा है भाई, रोज डलता है पर होता गंदा ही है। इस बेचारे ने मुझे पूरी कश्ती रानी घुमाई है, इसकी सेहत देख लें गरीब की, ये चला चला के ना कश्ती इन्ना रह गया वा, इदा ही है ना। हाँ जी अभी उतरते हैं नीचे, मुझे तो डर लगता है यार मैं मोबाइल बंद करके उतरता हूँ गिर ना जाऊँ। ये देख लो जी इसमें भी बैठ के चला सकते हैं, पर ये इन्होंने बाहर निकाल के रखी हुई है, मेरे ख्याल में इसमें बैठने की परमिशन नहीं होगी या पता नहीं चलाते नहीं होंगे, लेकिन डिश दे छज्जे ला के तो साइकिल बनाती है बहावलपुर ही हो तो अड़क के। और यहाँ पर पार्क में फैमिलीज कपल जाना स्टार्ट हो गए हैं, और मेरे ख्याल में अब हमें व्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहिए। कश्ती इसके अलावा तो और कुछ नहीं है स्पेशल दिखाने वाला। हाँ जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ ये जॉगिंग ट्रैक है और फैमिलीज आई हुई हैं, और ये आपको आखिरी नज़ारा करवा रहा हूँ गुलजारे सादिक पार्क का, वहाँ पे नेट लगा हुआ और यहाँ पे रोला चल रहा है बॉल उठाने का। तो आप चल यार लड़ो नहीं उठाने दो, ओए कुछ नहीं होता लड़ो नहीं, बड़ी बात है यार पता नहीं कैसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है बड़े भाई, ठीक है बड़े भाई, जा
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मिलते हैं इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।